अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम बना रहे हैं मुंबई का फेमस पाव का हलवा। तो यहाँ पर मैंने आधा लीटर दूध लिया जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है 200 ग्राम मावा, शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो। यहाँ पर मैंने लिया है काजू, बादाम, पिस्ता, जितना आप लेना चाहो उतना ले सकते हो, मैंने हाफ कप जितना लिया है। यहाँ पर मैंने नटमेग लिया हुआ है हाफ टी स्पून, नटमेग जाता है इसके अंदर, तो मैंने यहाँ पर हाफ टी स्पून नटमेग लिया है। और मैंने यहाँ पर क्या किया है, मेरे पास में इलायची का एसेंस मुझे मिल गया था तो वो मैंने ले लिया था। आप इलायची का पाउडर डाल सकते हो, तो इलायची का पाउडर घर में हर किसी के घर में होता है, तो आप इलायची का पाउडर डाल सकते हो, वरना इस तरीके का एसेंस आपके पास में इलायची का, कार्डेमम का अगर आपके पास में एसेंस होगा तो 1/4 टीस्पून वो ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पर मैंने लिया है केसर, और उसको मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऑयल बोलती सॉरी मिल्क के अंदर मैंने इसको भिगो के रख दिया था। और इसमें 100 ग्राम के जितना देसी घी जाएगा, देसी घी से बनाओगे तो इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा जाएगा, और झटपट बनने वाली रेसिपी है। और इसके अंदर मैंने लिए है 6 पाव। अब इसको बनाने का तरीका बताएंगे। और देखिए, सबसे पहले जो है 100 ग्राम के करीब में इसके अंदर घी ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। यहाँ पर देखिए पाव को अभी हम कट करेंगे। ये पाव जो है बहुत सॉफ्ट होते हैं ना, तो आपने क्या करना है कि आपने एकदम धारदार नाइफ लेनी है। एकदम धारदार जो नाइफ लोगे ना, तो उससे ये बहुत ही आसानी से कट जाती है। ये देखिए मैंने इसको कट कर लिया। ये देखिए ऐसे सारे पीसेस बना लेने हैं। ये देखिए मैंने सारे पीसेस बना लिए हैं। यहाँ पर देखिए घी जो है अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम ये पाव डालेंगे और इसको क्रिस्पी फ्राई करेंगे। क्रिस्पी होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। पर देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसको मैं निकाल लूंगी। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसी में दूध डालकर इसको पका लेते हैं, लेकिन मैं दूध को थोड़ा सा गाढ़ा करूंगी, उसके बाद में मैं इसको ऐड करने वाली हूँ इस पाव को। तो ये सब निकाल लेंगे हम, बर्तन में दूध डालेंगे। अब इसमें शक्कर ऐड करेंगे, शुगर अब अपने टेस्ट के हिसाब से ले लेना। अब इसके अंदर हम डालेंगे केसर वाला दूध और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको बॉईल आने देंगे। इसमें ये इलायची का एसेंस भी डाल देंगे और इसको अभी बॉईल आने देंगे। यहां पर देखिए दूध को अच्छे से बॉईल आ गया है और शक्कर भी जो है अच्छे से पिघल चुकी है। वैसे इसमें जाता है येलो कलर, येलो फूड कलर जाता है, बट मेरे पास में अब वो अवेलेबल नहीं है, तो मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया हुआ है। तो यहाँ पर हम ऑरेंज फूड कलर डालेंगे चुटकी भर, और इसके साथ में मैंने जायफल डाला है। इसको अच्छे से बॉईल आने देंगे। अब हम इसमें आधा मावा डाल देंगे और आधा मावा जो है ऊपर गार्निश करने के लिए मैं रख रही हूँ। बाकी जो आधा मावा है वो इसमें हम ऐड कर देंगे। थोड़ा सा काजू, बादाम और पिस्ता भी इसमें डाल देंगे और आधा जो है गार्निश करने के लिए रखेंगे। अब इसको अच्छे से बॉईल आने दे, मतलब इसको अच्छे से हम बॉईल तो ऑलरेडी आ चुका है, इसको हम और 5 मिनट पका लेंगे, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, फिर इसके बाद में इसमें पाव डालेंगे और पाव डाल के भी इसके अंदर पकाएंगे। यहाँ पर देखिए इसको मैंने 5 मिनट अच्छे से पका लिया, मावा भी इसके अंदर अच्छे से मेल्ट हो गया। अब इसके अंदर हम ये पाव डाल देंगे और पाव डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें पाव भी डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स भी कर लिया। अब इसको हम फास्ट फ्लेम पर ये दूध सूखने तक अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पर देखिए दूध जो है अच्छे से सूख चुका है। ये देखिए अच्छे से सूख चुका है। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे गार्निश करते टाइम और मावा डाल देंगे। अच्छे से ये पक चुका है। तो चलिए मुंबई का फेमस पाव का हलवा जो है बनकर रेडी है। तो चलिए, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।